ऑल ऑफ यू, अपना चैप्टर चल रहा था अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, उसमें 6.1 एक्सरसाइज हो गई थी, 6.2 हो गई थी, आज अपन करेंगे 6.3 एक्सरसाइज, अपन करेंगे 6.3। तो देखो 6.3 स्टडी करने से पहले जो बेसिक जो है इसके बारे में वो स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखो, मान लो सपोज करो अपने पास कोई फंक्शन है एफ एक्स, ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये जो फंक्शन है इससे ये कर्व बन रहा है, समझ गए। तो अब टेंजेंट क्या होगी इस कर्व की, मान लो इस कर्व पे एक पॉइंट है ये एक्स वन वाई वन, ये पॉइंट है, तो ये जो होगी इस पॉइंट से जो पास हो रही है, ठीक है, ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। ये क्या कहलाएगी, टेंजेंट। यानी टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट होती है कि मतलब जो कर्व और जो लाइन है इनके पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट जो है उससे पास हो रही है जो लाइन, वो क्या कहलाएगी, टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर और इस पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं नॉर्मल, क्या बोलते हैं, या परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। तो अपने पास क्या हो गया, एक तो टेंजेंट हो गया, दूसरा क्या हो गया, नॉर्मल, ठीक है। अगर अपने को नॉर्मल फाइंड आउट करना है तो अपन जो है इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन देखेंगे, देखो मान लो सपोज करो अपने पास कोई लाइन है, देखो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक लाइन होगी, ठीक है। ये लाइन जो है इससे एंगल बना रही है थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी, इस लाइन की स्लोप होगी m इक्वल टू टेन थीटा, क्या होगी, m इक्वल टू टेन थीटा, ठीक है। अब अपने को क्या फाइंड आउट करना है, जो इस कर्व की जो टेंजेंट है उसकी स्लोप बताओ। तो इस कर्व की जो टेंजेंट है उसकी स्लोप होगी m इक्वल टू एफ डैश एक्स, जो कर्व दे रखा है उसका क्या करना है अपने को, डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। और किस पे, एक्स वन वाई वन पे, जो ये पॉइंट है इसकी वैल्यू अपन इसमें पुट अप कर देंगे, वो क्या आ जाएगी, इसकी स्लोप आ जाएगी, ठीक है। अब देखो अपने को पता है, मान लो सपोज करो एक लाइन है, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन जो है एक्स वन वाई वन से पास हो रही है, इसकी स्लोप कितनी है, एम है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की इक्वेशन होगी वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये इस लाइन का इक्वेशन है जहां पे m क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन, ठीक है। अब अगर ये लाइन जो है ओरिजिन पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन की इक्वेशन क्या आएगी, y इक्वल टू एम एक्स आ जाएगी, क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स। अब अगर आपसे पूछ लिया कि ये लाइन है, एक लाइन है, ये लाइन ले लिया अपन ने जिसकी स्लोप क्या है, m1, इसके परपेंडिकुलर लाइन जो है उसकी स्लोप है m2, ठीक है। तो अपन ने पढ़ा हुआ है m1 m2 इक्वल टू m1 m2 इक्वल टू क्या होता है, माइनस वन, यानी दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो है माइनस वन के बराबर होगा, ठीक है। अगर दो लाइन, मान लो एक लाइन ये लाइन है, इसकी स्लोप m1 है, दूसरी लाइन ये है, इसकी स्लोप क्या है, m2 है, तो ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन में क्या होता है, m1 इक्वल टू क्या होता है, m2 होता है, ठीक है। मान लो सपोज करो अपने पास एक लाइन L है, दूसरी लाइन क्या है, M है, ठीक है। L लाइन जो है उसकी स्लोप है M1 और दूसरी की क्या है, M2। अगर L जो है पैरेलल परपेंडिकुलर टू M है तो M1 M2 इक्वल्स टू क्या होगा, माइनस वन होगा। L अगर पैरेलल टू M है तो M1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, M2 आएगा, ये याद कर लेना, ठीक है। अर्थात क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब है यदि आपको टेंजेंट दे रखा है कि ये जो टेंजेंट है इसकी स्लोप जो है अपने पास है m इक्वल टू डी वाई अपॉन डी एक्स, किस पे, एट एक्स वन वाई वन पे, ये अपने को दे रखी है स्लोप टेंजेंट की। अगर आप लोगों से इसकी नॉर्मल जो है उसका अगर स्लोप पूछता है तो अपने को पता है m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, तो इसके नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल है उसकी जो है स्लोप क्या होगी, माइनस वन अपॉन डी वाई अपॉन डी एक्स एट एक्स वन वाई वन। तो ये क्या था, ये इसका बेसिक था। तो ये जो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये बेसिक जो है ये समझ में आना जरूरी है, ये समझ में आ जाएगा तो अपन कर लेंगे, ओके। अपने को फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, अपन सोल्व करते हैं इसमें।
चैप्टर 6.3, ठीक है, देखो स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व क्या दे दिया आपने को, y = 3x^4 - 4x @x = 4, ठीक है, ये अपने को दे दिया। अपने को क्या करना है, अपने को करना है इस कर्व की टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, ठीक है। देखो मान लो सपोज करो अपने को ये कर्व दे दिया, यहाँ सोल्व करते हैं, ये कर्व दे दिया, कर्व क्या दिया है y = 3x^4 - 4x, ठीक है। अब इसने कहा है x = 4 पे, मान लो ये एक पॉइंट है, इसमें x कितना दे दिया, 4 दे दिया, y मैंने ले लिया, इसमें y ले लिया, इस पे टेंजेंट पूछा है, ये टेंजेंट है, इसकी स्लोप आपको फाइंड आउट करनी है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये टेंजेंट है, इसकी स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखो अपने को कर्व दे दिया y = 3x^4 - 4x, इक्वेशन 1 ले लिया। अब अपन ने स्टडी किया था स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल्स टू क्या होती है, dy/dx @x1 y1, ठीक है। तो अपन dy/dx तो क्या करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू किसके, x के रेस्पेक्ट में क्या आएगा, dy/dx = इसका करेंगे डिफरेंशिएशन तो क्या आएगा, 12x^3 - 4, ठीक है। अब देखो at x = 4 तो dy/dx कब x = 4 क्या आएगा, 12 × 4³ - 4 = 12 × कितना आएगा, देखो 64 - 4, ठीक है, कितना आएगा, कितना आ जाएगा 764, ये क्या आ जाएगी, स्लोप हो जाएगी, ओके। नंबर सेकंड करते हैं, सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है, सेकेंड क्वेश्चन दिया है फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, क्या कर्व दिया है अपने को, अपने को कर्व दिया है y = x - 1/x - 2, x ≠ क्या है 2 है @x = 10 पे, ठीक है, ये अपने को फाइंड आउट करना है, ठीक है। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, देखो अपने को सपोज करो ये जो दे रखा है, ये कर्व दे दिया, क्या कर्व दे दिया अपने को, दे दिया y = x - 1/x - 2, अपने को पता है द स्लोप ऑफ द टेंजेंट इक्वल्स टू dy/dx (x1, y1), ठीक है। तो निकालते हैं अपन, तो इक्वेशन 1 का डिफरेंशिएट करते हैं, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू किसके रेस्पेक्ट में करेंगे अपन इसको, x के रेस्पेक्ट में करेंगे, तो dy/dx = देखो x - 2² u/v से करेंगे v² du/dx इसका क्या आएगा 1 माइनस u v का क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्या है अपने पास dy/dx = आ गया x - 2 - x + 1/x - 2²
x से x कैंसिल हो गया, तो ये क्या गया, बाकी यहां करते हैं अपन, क्या आया dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 2 अपॉन x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब अपने को फाइंड आउट करना है dy अपॉन dx एट x इक्वल्स टू क्या दिया था, 10 दिया है, 10 तो क्या आएगा माइनस 2 अपॉन 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, यानी माइनस 2 अपॉन 64 माइनस का 1 अपॉन 32, ये क्या आ जाएगी, ये उस कर्व की टेंजेंट आ जाएगी। ओके देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड और फोर्थ सेम है, तो मैं फोर्थ वाला क्वेश्चन करवाऊंगा। क्या है देखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व, क्या कर्व दिया है, y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x माइनस 3x प्लस 2, x क्यूब माइनस 3x प्लस 2 एट द पॉइंट, एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, हुज x कोऑर्डिनेट इज 3, ठीक है, ये अपने को दे रखा है, फाइंड आउट करना है अपने को टेंजेंट, ठीक है। अब देखो क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट, तो देखो अपने को सबसे पहले कर्व क्या दे रखा है, y इक्वल्स टू x क्यूब माइनस 3x प्लस 2, ये दे रखा है, ठीक है। तो टेंजेंट ऑफ द कर्व, टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या बताया था, m इक्वल्स टू बताया था dy अपॉन dx एट x1 y1, ठीक है, तो निकालते हैं अपन, तो dy अपॉन dx, तो सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रेस्पेक्ट टू x, x के रेस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, क्या आएगा देखो, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 3x स्क्वायर माइनस का 3 प्लस का 0, ठीक है, तो dy अपॉन dx किस पे निकालना है, x कोऑर्डिनेट 3 है, x कोऑर्डिनेट 3 है, यानी x इक्वल्स टू क्या है 3, तो x इक्वल्स टू 3 पे निकालो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3, यानी 3 इंटू 9 माइनस 3, यानी 27 माइनस 3, यानी कितना आएगा 24 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 24, उसकी टेंजेंट कितनी आ जाएगी 24 आ जाएगी। ओके क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन है फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, एक कर्व दे रखा है, इसके नॉर्मल जो है स्लोप फाइंड आउट करनी है, 6 वाला भी फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, तो एक काम करते हैं अपने पास 5 और 6 जो है इन दोनों में एक क्वेश्चन करते हैं, मैं जो है इसमें 6 वाला क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, सेम ही है दोनों, 6 वाला कर लेते हैं, देखो क्या है, फाइंड द स्लोप ऑफ द नॉर्मल नॉर्मल टू द कर्व, टू द कर्व क्या दिया है अपने को, कर्व दे दिया अपने को x इक्वल्स टू 1 माइनस a साइन थीटा, y इक्वल्स टू b cos स्क्वायर थीटा एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2, ये अपने को दे दिया, ठीक है। अब अपन फाइंड आउट करते हैं, तो देखो क्या है, सबसे पहले थोड़ा सा समझ लो नॉर्मल क्या होता है, टेंजेंट क्या होता है, देखो सपोज करो मान लो अपने पास ये कर्व जो है, ये कर्व दे दिया और ये पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, तो इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे ये आ गई इसकी टेंजेंट, ठीक है, समझ गए, ये क्या आ गई, टेंजेंट आ गई, इस टेंजेंट की स्लोप मान ली अपन ने m1 मान ली, ठीक है, इस टेंजेंट के परपेंडिकुलर जो है ये है नॉर्मल है, ठीक है, इसकी स्लोप क्या है m2 है,
ठीक है। तो अपने को फाइंड आउट करनी है इस M2, ये M2 फाइंड आउट करनी है, मतलब इस नॉर्मल की स्लोप फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो अपन कैसे सोल्व करते हैं, सोल्व करते हैं। सबसे पहले अपने को दे दिया x इक्वल्स टू वन माइनस ए साइन थीटा और y इक्वल्स टू बी को स्क्वायर थीटा। अपन ने सबसे पहले जो दे रखा है, मान लो ये इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, इक्वेशन वन और टू को थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, डी एक्स अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू वन का जीरो हो गया माइनस का ए कोस थीटा, ठीक है, डी वाई अपॉन डी थीटा इक्वल्स टू बी टू कोस थीटा, फिर क्या आएगा माइनस का साइन थीटा आ जाएगा, ठीक है, हो गया। अपने को क्या फाइंड आउट करना है, अपने को सबसे पहले जो टेंजेंट जो है इसकी, उस टेंजेंट की स्लोप M1 है, तो मैंने बताया M1 इक्वल्स टू क्या आएगी, डी वाई अपॉन डी थीटा एट थीटा इक्वल्स टू क्या है पाई बाई टू, ठीक है। तो पहले M1 निकालते हैं अपन, तो M1 इक्वल्स टू तो डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स देखो ये इक्वेशन थ्री आ गई, ये फोर आ गई, डिवाइड द इक्वेशन फोर बाई इक्वेशन थ्री, फोर को थ्री से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा इक्वल्स टू क्या आएगा माइनस का टू बी साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या है माइनस का ए कोस थीटा। तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा गया, ठीक है, माइनस से माइनस गया, ठीक है। तो अब अपने पास क्या आ गया, M1 इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई टू पे निकालते हैं, पाई बाई टू पे क्या आएगा देखो B साइन पाई बाई टू अपॉन ए, देखो B अपने पास ये टू है ना, सॉरी टू बी साइन पाई बाई टू अपॉन ए, साइन पाई बाई टू वन होता है, ठीक है। तो बाकी यहाँ सोल्व करते हैं, तो एम वन इक्वस टू आ गया अपने पास, एम वन इक्वस टू आ गया टू बी अपॉन ए, ये आ गई इक्वेशन फाइव। आप देखो एम टू जो है एम वन के परपेंडिकुलर है, अगर टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन एम वन एम टू इक्वस टू क्या होता है माइनस वन, तो एम टू निकालना है एम टू इक्वस टू माइनस वन अपॉन एम वन, यानी टेंजेंट अपने को फाइंड आउट क्या क्या करना है, द स्लोप ऑफ द नॉर्मल, तो द स्लोप ऑफ द नॉर्मल नॉर्मल टू द कर्व क्या आएगी, एम टू इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस ए अपॉन टू बी, ये उस नॉर्मल की स्लोप आ गई, ओके। नेक्स्ट है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर सेवन क्या है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व tangent to the curve y equals to x cube minus 3x square minus ka 9x plus 7 is parallel to the parallel to the x-axis, ठीक है। देखो क्या दिया है, फाइंड द पॉइंट एट विच द टेंजेंट टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, अपने को कर्व दिया है, सोल्व करते हैं, अपने को कर्व क्या दिया है, y इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 7, ठीक है, ये अपने को कर्व दे दिया, तो इसकी टेंजेंट निकालेंगे, इसके टेंजेंट क्या आएगी, इसको क्या करेंगे डिफरेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट इक्वेशन वन
विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू थ्री एक्स स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 9 प्लस 0, क्या आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू आ गया 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9, इक्वेशन 2 आ गया। अब ये बोल रहा है टू द कर्व दिस इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, तो देखो एक मिनट समझो तुम लोग, मान लो सपोज करो ये अपना एक्स एक्सिस है, ठीक है, अब एक्स एक्सिस की स्लोप क्या होती है, तो देखो अपने पास क्या है एक ये लाइन है ये थीटा है, तो अगर एक्स एक्सिस पे होगा तो थीटा इक्वल टू कितना होगा जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो तो एक्स एक्स की स्लोप क्या होगी एम इक्वल टू टेन जीरो, टेन जीरो इक्वल टू क्या आ जाएगी जीरो, यानी द स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इक्वल टू जीरो कितनी होती है जीरो, ठीक है। अब उसने कहा है ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, जो टेंजेंट है वो इसके पैरेलल है, ये अपन ने टेंजेंट ले ली, ठीक है, इसकी स्लोप ले ली मैंने m2 और इसकी x एक्सिस की स्लोप ले ली m1, तो m1 कितना आया अपने पास m1 इक्वल्स टू जीरो आ गया, ठीक है। अब देखो मैंने तुम्हें बताया था अगर दो लाइन दोनों परपेंडिकुलर टू ईच अदर होती हैं तो दोनों की स्लोप m1 इक्वल्स टू क्या होगी m2 हो जाएगी, ठीक है। तो देखो टेंजेंट की स्लोप ये है, ठीक है, स्लोप ऑफ x एक्सिस, एक्स एक्सिस की स्लोप कितनी है जीरो, तो दोनों पैरेलल हैं, अगर ये दोनों पैरेलल हैं तो क्या होगा थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस टू इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस नाइन इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, दोनों क्या हो जाएंगी बराबर हो जाएंगी, ठीक है। तो यहां से निकाल लेते हैं, मैंने थ्री कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस का थ्री इक्वल टू क्या आ गया जीरो, तो देखो अपन यहां से क्या लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री वन जा थ्री, ठीक है, तो ये आ जाएगा माइनस का थ्री एक्स प्लस का एक्स माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ठीक है, क्योंकि क्या है थ्री नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो देखो क्या आएगा एक्स कॉमन ले लिया एक्स माइनस थ्री प्लस का वन कॉमन ले लिया एक्स माइनस थ्री, तो एक्स माइनस थ्री और x प्लस वन इक्वल टू क्या आ गया जीरो, ठीक है। तो यहाँ निकालते हैं अपन, तो एक तो आ गया x इक्वल टू थ्री, एक x इक्वल टू क्या आ गया माइनस वन, तो वो पॉइंट क्या आ गया वो पॉइंट आ गया x इक्वल टू थ्री और x इक्वल टू माइनस वन। अपने पास जब x इक्वल टू थ्री है तो y की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, देखो y की वैल्यू आएगी y इक्वल टू थ्री का क्यूब माइनस थ्री इंटू थ्री का स्क्वायर माइनस का नाइन इंटू थ्री प्लस का सेवन, तो देखो क्या आएगा ट्वेंटी सेवन माइनस ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन प्लस का सेवन, ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन ये आ गया माइनस का ट्वेंटी, ठीक है। यानी क्या आया जब अपना एक्स इक्वल टू थ्री था वाई इक्वल टू कितना आया माइनस ट्वेंटी, एक पॉइंट आ गया। दूसरा पॉइंट जब x इक्वल टू क्या है माइनस वन है तो y इक्वल टू माइनस वन का क्यूब माइनस थ्री इंटू माइनस वन की स्क्वायर माइनस नाइन इंटू माइनस वन प्लस का सेवन, तो ये क्या आएगा माइनस वन माइनस का थ्री प्लस का नाइन प्लस का सेवन, तो देखो सिक्सटीन, सिक्सटीन में से फोर गया कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, ठीक है 12 आ जाएगा। तो देखो अपने पास क्या हुआ जब x माइनस वन है तो y कितना है 12, तो ये अपने पास दोनों पॉइंट आ गए, ये पॉइंट आ गए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या है देखो फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व y इक्वल्स टू x माइनस टू का होल स्क्वायर एट विच द टेंजेंट
एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द पैरेलल टू द और जॉइनिंग द पॉइंट joining the point 20 and 44 ठीक है, ये दे रखा है अपने को। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड ए पॉइंट ऑन द कर्व दिस एट विच द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड जॉइनिंग द पॉइंट दिस। तो सबसे पहले इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली रेखा का समीकरण फाइंड आउट करेंगे, उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। देखो आपने पास दे दिया, ये मान लो कितना है 20 है और ये कितना है 44 है, ठीक है। तो इसकी स्लोप क्या होगी, तो देखो मान लो सपोज करो आपने पास ये x1 y1 पॉइंट होता और ये x2 y2 पॉइंट होता, ठीक है। तो इसकी स्लोप मान लिया m, मान लिया तो m इक्वल टू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो इक्वल टू क्या आएगी 4 माइनस 0 अपॉन 4 माइनस 2 इक्वल टू 4 अपॉन 2 इक्वल टू 2, ठीक है। तो जो ये कॉर्ड जो है इसकी जो है स्लोप क्या आ गई, m1 ले लिया अपन ने, m1 कितनी आ गई 2 आ गई, ठीक है। अब द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, ठीक है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या आएगी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या आएगा, देखो कर्व क्या दिया है, यह आ जाएगा 2x माइनस 2, x का क्या आ गया 1, तो ये आ गया अपने पास, ठीक है। तो आप देखो ये इसकी स्लोप आ गई, ठीक है। इसने ये कहा है कि बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर, इफ बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर देन क्या होगा, जो m1 इक्वल टू क्या हो जाएगी dy अपॉन dx, यानी दोनों की स्लोप क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी, इक्वल होगी। तो देखो क्या कर सकते हैं अपन, अपन ने लिख दिया 2x माइनस 2 इक्वल टू 2, 2 के बराबर कर दिया, 2 वन जाए 2 तो x इक्वल टू कितना आ गया, x इक्वल टू आ गया 1 प्लस 2, यानी x इक्वल टू क्या आ गया 3, x इक्वल टू कितना आ गया 3, x की वैल्यू पुट अप करो उसमें तो y इक्वल टू क्या आएगा 3 माइनस 2 की होल स्क्वायर, यानी y इक्वल टू कितना आ गया 1, तो वो पॉइंट क्या आएगा, वो पॉइंट आ जाएगा 3 और 1 आ जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, देखो क्या है, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व वाई इक्वल्स टू एक्स क्यू माइनस 11x प्लस 5 एट विच द टेंजेंट इज y equals to x minus 11, ठीक है, ये अपने को दे दिया। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, इसने कहा है ये कर्व है अपना, देखो समझ लो ये कर्व दे दिया y equals to x cube minus 11x plus 5, ठीक है। एक ये इस पॉइंट पे जो है ये दे दी टेंजेंट, दे दिया टेंजेंट, ये जो टेंजेंट दिया है ये उसने दे दी y equals to x minus 11 है, तो ये आपको x1 y1 ये पॉइंट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो given टेंजेंट है इसकी स्लोप निकालते हैं। तो देखो स्लोप फॉर्म क्या होती है इक्वेशन की, स्लोप फॉर्म y इक्वल्स टू होती है mx प्लस c, ये इक्वेशन 1 होगी। अपने को टेंजेंट की इक्वेशन दे रखी है y इक्वल्स टू x माइनस 11, कंपेयर करते हैं 1 और 2 को, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे, देखो x का कोफिशिएंट कितना है m, इसका क्या है 1, यानी m इक्वल्स टू क्या आ गई 1 आ गई अपने पास।
यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 1 आ गया, ये गिवन है। अब अपन फाइंड आउट करेंगे, तो अपन फाइंड आउट किया तो देखो क्या होती है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ द कर्व, एम ले लिया अपन ने, एम इक्वल्स टू क्या, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, 3x² माइनस का 11, 3x² माइनस का 11, ठीक है। अब देखो ये स्लोप और ये दोनों सेम है, तो अपन कर देते हैं क्या किया अपन ने, 3x² माइनस 11 इक्वल्स टू 1, 3x² इक्वल्स टू 12, x² इक्वल्स टू 4, x इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 2 आ गई, ठीक है। अब अपन x की वैल्यू, जब x इक्वल्स टू अपन 2 रखेंगे तो y की क्या आएगी, y इक्वल्स टू 2 का क्यूब माइनस 11 इंटू 2 प्लस 5, कितना आया 8 माइनस 22 प्लस 5, कितना आया 13 माइनस 22, 13 और 7 20, यानी ये आ गया माइनस का 9, यानी जब 2 है तो y कितना है, माइनस 9, जब x इक्वल्स टू माइनस 2 है तो y इक्वल्स टू कितना आएगा, y इक्वल्स टू आ जाएगा माइनस का 8 प्लस का 22 प्लस का 5, तो देखो ये आ जाएगा माइनस का 19, यानी जब माइनस 2 है तो कितना आया, माइनस का 19 आ गया। तो ये दोनों पॉइंट आ गया अपने पास। तो क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों सेम है, तो दोनों में से कोई एक करेंगे, तो अपन ने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस, ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू, हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट्स टू, विच आर टेंजेंट्स टू द कर्व y इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3 वेयर x नॉट इक्वल्स टू 3, ये अपने को दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप टू विच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस, ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये जो कर्व गिवन है इसकी टेंजेंट निकालते हैं, ठीक है, सोल्व करते हैं। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, डिफरेंशिएशन करो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर x माइनस 3, ठीक है, 1 का कितना आएगा 0, 1 का क्या आएगा 0 माइनस 1, x माइनस 3 का क्या आएगा 1, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये अपने पास वो जो टेंजेंट है उसकी स्लोप आ गई। इसने कहा है उसकी स्लोप कितना है, 2 है, ठीक है, दे रखा है, गिवन है, यानी उसने क्या दिया है, dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या दे रखा है, 2 दिया है, तो अपन रखते हैं दोनों का इक्वल, तो माइनस 1 अपॉन x माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 2, तो यहाँ पे अपने पास आ गया, क्या आ गया, यहाँ से आ गया 1 अपॉन x माइनस 3 की होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 2। अब देखो अपन क्या है, x की वैल्यू पॉजिटिव रख लो या नेगेटिव रख लो, राइट हैंड साइड हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए, जबकि ये क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं
हेंस देयर इज नो इक्वेशन नो लाइंस हैविंग स्लोप 2। तो अपने पास जो है कोई भी टेंजेंट नहीं होगी इस पे, ठीक है। तो अपन लिख सकते हैं हेंस देयर इज नो टेंजेंट हैविंग स्लोप टू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द ऑल लाइंस हैविंग स्लोप -1 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व। ठीक है, तो अपन सबसे पहले इस कर्व की टेंजेंट निकालेंगे। तो द टेंजेंट ऑफ द कर्व क्या आएगी, dy अपॉन dx इक्वल्स टू -1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगी अपने पास। अब अपन क्या करते हैं, इसने ये कहा है ये स्लोप और ये स्लोप क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो अपन ने कर लिया 1 अपॉन x -1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 इक्वल्स टू x -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आएगा, x -1 इक्वल्स टू क्या आ गया, x -1 इक्वल्स टू +-1। एक बार प्लस का 1 लिया अपन ने तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। माइनस का 1 लिया तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो जब x इक्वल्स टू 2 है, ठीक है, x इक्वल्स टू क्या है 2, तो y इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, y इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 -1 1 आ जाएगा। जब x इक्वल्स टू 0 है तो y इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइन, अपने को इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन जो 2 और 1 से पास हो रही है उस लाइन का इक्वेशन निकालेंगे। तो y -y1 इक्वल्स टू m कितना है, -1 x -x1। तो y -1 इक्वल्स टू माइनस का x +2, इस साइड ले आओ x +y इक्वल्स टू 3। एक तो ये इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन निकालते हैं किस पे, 0 और -1 पे। 0 -1 पे क्या आएगी, देखो y -y1 यानी y +1 इक्वल्स टू m, x -x1 यानी 0 क्या आएगी, y +1 इक्वल्स टू -x यानी x +y +1 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई, दूसरी। तो ये दो इक्वेशन आ गए। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 0 व्हिच आर टेंजेंट टू द कर्व दिस। ठीक है, तो सबसे पहले इस कर्व की जो है, इसकी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकालेंगे। तो द स्लोप ऑफ द टेंजेंट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व कितना कर्व, y इक्वल्स टू 1 अपॉन x स्क्वायर -2x +3। ठीक है, तो इसकी क्या आएगी, इसकी आएगी dy अपॉन dx इक्वल्स टू क्या करते हैं, देखो इसका क्या आएगा, x स्क्वायर -2x +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो v x स्क्वायर -2x +3 इंटू 0 माइनस u सेम आ जाएगा 2x -2। ठीक है, तो क्या आया, dy अपॉन dx इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो ये आ गया अपने पास माइनस का 2x -2 अपॉन x स्क्वायर -2x +3 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये अपने पास यानी क्या आ गई, अपनी टेंजेंट आ गई, टेंजेंट की स्लोप आ गई dy अपॉन dx इक्वल्स टू -2 बाहर ले लिया x -1 अपॉन x स्क्वायर -2x +3 का होल स्क्वायर। क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है जो टेंजेंट है उसकी स्लोप कितनी है, 0। m इक्वल्स टू कितना दे रखा है, 0 दे रखा है, तो इसको 0 के इक्वल कर लो। तो क्या आएगा, माइनस का 2x माइनस का 1 अपॉन x स्क्वायर -2x +3 इक्वल्स टू 0। ठीक है,
तो अपन क्या करते हैं, अपन इसको करेंगे, देखो क्या आएगा, अपने पास आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे, ये जीरो यानी आ जाएगा x माइनस वन इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, x इक्वल टू क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा अपना। जब x इक्वल टू वन है तो y इक्वल टू क्या होगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा वन अपॉन वन माइनस टू प्लस थ्री, पुट कर दिया इसमें वन माइनस टू प्लस थ्री, तो देखो कितना आया, थ्री वन फोर, फोर में से टू गया, ये आ जाएगा वन अपॉन टू, यानी जीरो पे क्या आ गया, सॉरी वन पे क्या आया, वन अपॉन टू आ गया, ठीक है। तो अब अपन उस लाइन की इक्वेशन निकालेंगे, तो y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम का मतलब जीरो, x माइनस एक्स वन, ठीक है, तो क्या आएगी, y इक्वल्स टू वन अपॉन टू आ जाएगा, ठीक है। यानी अपन ये भी कर सकते हैं, टू वाई माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, तो ये लाइन की इक्वेशन आएगी, ये लाइन जो है y इक्वल्स टू वन अपॉन टू, ये पैरेलल टू क्या होगी, x एक्सिस के पैरेलल लाइन होगी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन दे रखा है, फाइंड पॉइंट ऑन द कर्व, फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व, कर्व क्या दे दिया अपने को, एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इक्वल टू वन दे दिया, एट विच द टेंजेंट आर, एट विच द टेंजेंट्स आर फर्स्ट पैरेलल टू एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सेकंड क्या है, पैरेलल टू वाई एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, तो देखो कैसे सोल्व करते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व एट विच द टेंजेंट आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। सबसे पहले इसकी टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है, इसकी जो टेंजेंट है उसकी स्लोप निकालेंगे, ठीक है। तो देखो सॉल्व करते हैं, ठीक है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन इक्वल्स टू वन, देखो यही दे रखा है अपने को, यही है क्या, देखो एक सेकंड, ये अपने को दिया हुआ है, एक मिनट, एक्स स्क्वायर अपॉन नाइन प्लस वाई स्क्वायर अपॉन सिक्सटीन, ठीक है। तो टू द कर्व दिस क्या आएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू क्या आएगा, टू एक्स अपॉन नाइन प्लस टू वाई अपॉन सिक्सटीन डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है। और ये क्या है अपना, ये देखो, सॉरी सॉरी एक मिनट रुको, देखो अपन क्या करते हैं, अपन डिफ्रेंशिएट करते हैं इसको, इस कंप्लीट को डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या आएगा, टू एक्स अपॉन नाइन प्लस टू वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा वाई डी वाई अपॉन डी एक्स, सॉरी टू वाई अपॉन सिक्सटीन, देखो टू एक्स अपॉन नाइन प्लस टू वाई अपॉन सिक्सटीन डी वाई अपॉन डी एक्स, तो ये क्या आएगा, देखो टू वन वन बाई एट, तो ये आ जाएगा वाई बाई एट, वाई बाई एट डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का टू एक्स अपॉन नाइन, यानी ये आ जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू माइनस का सिक्सटीन अपॉन नाइन, और साथ में क्या आ जाएगा, एक्स अपॉन वाई, ठीक है। ये क्या आ गई, ये उसकी स्लोप आ गई, किसकी, इसकी टेंजेंट की स्लोप आ गई अपने पास, ठीक है। अब इसने कहा है वो पॉइंट निकालना है जो वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो देखो मैंने तुम लोगों को बताया था ये एक्सिस होता है, ठीक है, इस एक्सिस के जो लाइन पैरेलल होती है उसकी स्लोप होती है एम इक्वल टू जीरो, क्या होती है, एम इक्वल टू जीरो, क्योंकि देखो एक्सिस के जो पैरेलल होगी उसमें थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो,
तो m इक्वल टू क्या होता है tan थीटा, यानी tan थीटा कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से देखेंगे तो क्या आएगा अपना m इक्वल टू क्या आ गया, जीरो। तो अपन फर्स्ट करते हैं पैरेलल टू एक्सिस, ठीक है, पैरेलल टू एक्सिस, एक्सिस के पैरेलल है, तो अपन क्या लिखेंगे dy अपॉन dx इक्वल टू जीरो, तो क्या आएगा माइनस 16 अपॉन 9 x अपॉन y इक्वल टू जीरो, यानी यहां से आ जाएगा x इक्वल टू जीरो। जब x इक्वल टू जीरो है, ठीक है, तो जब x इक्वल टू जीरो है तो y इक्वल टू क्या आएगा, y y इक्वल टू आ जाएगा अपना, देखो रखा अपन ने क्या आया जी, चलो यहाँ सोल्व करते हैं अपन, क्या आया देखो इसमें रखा 0 अपॉन 9 प्लस 0 अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 16 इक्वल टू 1, यानी वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, यानी y इक्वल टू प्लस माइनस 4। तो जब 0 पे एक तो 4 आ गया, एक 0 पे क्या आया माइनस 4 आ गया। ये तो कब है, जब पैरेलल है इसके, अगर परपेंडिकुलर होती है तो देखो परपेंडिकुलर होती है तो ये एक्सिस है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी क्या कहा है पैरेलल टू द वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के पैरेलल होगी वो एक्स एक्स के क्या होगी परपेंडिकुलर, यानी एंगल थीटा इक्वल टू कितना होगा 90। जब थीटा इक्वल टू 90 होगा तो टेन थीटा यानी एम इक्वल टू क्या आ जाएगी इनफाइनाइट आ जाएगी। आगे तो यहां रखते हैं अपन, अपन ने रखा डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या रख दिया इनफाइनाइट, ठीक है, तो क्या आएगा माइनस 16 अपॉन 9 एक्स अपॉन वाई इक्वल टू 1 अपॉन 0, ठीक है, 1 अपॉन 0 तो देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। जब वाई इक्वल टू 0 है तो एक्स इक्वल टू क्या आएगा प्लस माइनस 3 आएगा, तो 0 पे 3 और सॉरी एक्स 3 पे 0 और माइनस 3 पे भी 0, ये पॉइंट आ गए वो, ठीक है, ओके okay।